दुनिया में नक्शे बनाने का काम अलग अलग जगह पर चलता रहा। उसमें जितनी भी सभ्यताएं थीं उन सब ने किसी न किसी तरह से नक्शों को अपने जीवन में स्थान दिया था और वो उसे विकसित करते थे। धीरे धीरे ये चीज़ें नक्शा बनाना एक कला के रूप में देखी जाने लगी और जब हम आगे जाते हैं इतिहास में देखते हैं तो पता चलता है कि इसकी शुरुआत यूनान में ज़्यादा बेहतर तरीके से हुई। यूनान के जो भूगोलवेत्ता हैं उनमें एक नाम आता है हेकेटियस का। हेकेटियस ने लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो नक्शे बनाए थे उसमें दुनिया को बहुत विस्तृत रूप में दिखाया गया था। हेकेटियस चूँकि भूमध्य सागर के पास रहते थे और इसलिए उन्होंने नक्शे को उसके चारों तरफ प्रदर्शित किया और उन्होंने अपने नक्शे के केंद्र में ग्रीक को दिखाया। उसमें कुछ मान्यताएँ थीं। उसमें से पहली मान्यता तो ये थी कि जो दुनिया है, जो विश्व है, वो एक गुलाब के रूप में नहीं है, गोले के जैसे नहीं है, यानी आज जैसे हम पृथ्वी को जानते हैं एक स्फीयर या गोले के रूप में, वैसी तब मान्यता नहीं थी। तब लोग ये सोचते थे कि जो हमारी पूरी की पूरी दुनिया है वो एक प्लेट की तरह है, तश्तरी की जैसी, जैसे आप गणित की भाषा में डिस्क कह सकते हैं। तो एक मान्यता ये थी। और दूसरी चीज़ जो उनके जानकारियाँ थी महाद्वीपों के बारे में, वो ये मानते थे कि जो पूरी की पूरी दुनिया है वो तीन महाद्वीपों में बटी हुई है। उसमें एक तो यूरोप था, दूसरा अफ्रीका और तीसरा एशिया। एशिया में भी पूरे आज जो एशिया हम जिस तरह से जानते हैं, जितना जानते हैं, वो वैसा नहीं था। जो सिंधु नदी है उसके पश्चिम तक ही वो एशिया को जानते थे। तो इतनी जानकारियों के आधार पर हेकेटियस ने अपना नक्शा बनाया। जब हम उनके नक्शे को गौर से देखें तो पता चलेगा कि जितनी बातें हम यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं उतनी चीज़ों को उन्होंने अपने नक्शे में प्रदर्शित किया था। हेकेटियस का नक्शा नक्शों के इतिहास में, नक्शों की कहानी के बढ़ने में एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाम रखता है। वो इसलिए कि हेकेटियस ने दुनिया को थोड़ा ज़्यादा बड़े क्षेत्र में देखा, जैसे बेबीलोन के लोगों ने देखा था दुनिया को, उससे एक ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र उन्होंने अपने नक्शे में प्रदर्शित किया। और एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी नक्शों को आज की दुनिया के नक्शे तक पहुंचाने के सिलसिले में। प्यारे बच्चों, हम मानचित्र की यात्रा पर बात कर रहे हैं और इस बातचीत में आपसे मैंने पहली बार ये भी कहा था कि मानचित्र का निर्माण एक कला के रूप में देखा गया और सारी कलाओं के साथ साथ जो कला, साहित्य और इस तरह की जितनी चीज़ें थी वो उस ज़माने के राजाओं की सोच और उनकी रुचि पर निर्भर करती थी। क्योंकि जो लोग हुआ करते थे, जो सोचते थे, विचारते थे, वैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ता थे, कलाकार थे, वो सब राजा का आश्रय पाना चाहते थे अपनी जीविका के लिए। और जिन राजाओं में इन चीज़ों के प्रति रुचि हुआ करती थी वो ऐसे लोगों का सम्मान करते थे, अपने दरबार में रखते थे और उन्हें उनकी कला के विकास के लिए सहायता करते थे, उनकी मदद करते थे। तो इससे ये सारी चीज़ें विकसित होती थी। ये सारी की सारी बातें मानचित्र के विकास को भी प्रभावित करती थी। आपने पहली वाली बातचीत में देखा था कि जब ग्रीक लोगों का शासन था, जब ग्रीक शासनकाल था, उस दरमियान हेकेटियस ने जो नक्शा बनाया था तो उस समय जो उसकी मान्यताएँ थीं उन पर आधारित वो नक्शा था। जो एक व्यक्ति, जो नाम हमारे सामने आता है हेकेटियस या दूसरे भी भूगोलवेत्ता या दूसरे वैज्ञानिक, साहित्यकार, रचनाकार जो उस काल के होते थे, वो अकेले ही काम नहीं करते थे। उनके साथ एक पूरा उनका दल हुआ करता था, उनकी टीम हुआ करती थी और वो पीढ़ियों से ज्ञान एक के बाद एक हस्तांतरित होता था। इतिहास में हमें कुछ नाम मिलते हैं, बहुत सारे नामों का उल्लेख हमें नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं होता कि एक ही व्यक्ति ने सारा कुछ किया हो। तो हेकेटियस ने उस समय की मान्यताओं के आधार पर ये बताया था कि पृथ्वी चपटी है। उस समय ऐसी मान्यताएं थी, ऐसी जानकारियां थी। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग अपने विचार हमारे सामने रखते थे या इतिहास में जो विचार रखते थे वो तमाम उन मान्यताओं पर आधारित हुआ करते थे जो उस समय समाज में प्रचलित थी। इसके अलावा वो जो ज्ञान प्राप्त करते थे, इसके पहले जो उपलब्ध साहित्य हैं उनके आधार पर, कुछ यात्राओं के विवरण के आधार पर, कुछ स्वयं के अनुभवों के आधार पर, कुछ चर्चाओं और कुछ चिंतन के आधार पर, तो इन तमाम सारी चीज़ों के बाद कुछ निष्कर्ष निकल के आते थे जो हमारे सामने आज इतिहास के रूप में मौजूद हैं। तो हेकेटियस ने पहली बार जो बातें बताई थी वो यही बताई थी कि पृथ्वी चपटी है और कुल उस समय दुनिया को तीन महाद्वीपों के रूप में जाना जाता था, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। ग्रीक राज्य के पतन के बाद रोमन साम्राज्य का उदय होता है। रोमन साम्राज्य के पूरे कालखंड को हम दो तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। रोमन साम्राज्य के पहले रोमन गणराज्य था,
फिर रोमन साम्राज्य, फिर रोमन साम्राज्य दो हिस्सों में बट गया और धीरे धीरे इसका ही पतन हुआ। तो रोमन साम्राज्य काफ़ी समृद्ध और विशाल साम्राज्य था और ऐसी परिस्थितियों में वहाँ के शासकों ने कला और साहित्य के विकास पर बहुत सारा ध्यान दिया। जब आप रोम के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे या रोम के संस्कृति को देखना चाहेंगे तो आप इंटरनेट पर या दूसरे जो साहित्य हैं उन स्रोतों पर जाएंगे तो आपको वहाँ की भव्यता का अनुमान होगा। इसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि उस समय लोगों ने कितना विकास किया और ये विकास केवल राज्य के फैलाव तक सीमित नहीं था। यह सारी चीज़ें जो मानव समाज को प्रभावित करती हैं, उससे जुड़ी होती हैं, उन सब से प्रभावित था, उन सब से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर एक इतिहासकार का नाम आता है टॉलमी का। टॉलमी वो भूगोलविद्ता था जिसने दुनिया के नक्शे और यूरोप के नक्शे में एक खास बात दुनिया को दी, वो थी कि नक्शे में उसने दो लंबवत रेखाओं का इस्तेमाल किया। आपने गणित में ये देखा होगा, जब आपने निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन किया होगा तो किसी समतल पर किसी प्लेन में किसी बिंदु के निर्धारण के लिए दो लंबवत रेखाओं के होने से हम बता पाते हैं कि उस बिंदु की खास जगह क्या है। इस ज्ञान का उपयोग टॉलमी ने किया और उन्होंने अपने नक्शे में इन दो लंबवत रेखाओं का उपयोग करके उन्हें नाम दिया अक्षांश और देशांतर रेखाएँ। इसकी मदद से उसने पूरे प्लेन पर धरती पर किसी स्थान को लोकेट करने में, किसी स्थान को चिन्हित करने में काफ़ी मदद ली। तो इस तरह से टॉलमी ने अपने नक्शे में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल किया। ये नक्शों के क्षेत्र में एक बड़ी खोज थी, एक बड़ी शुरुआत थी। उसके नक्शे को आप देखें तो आप पाएंगे कि उसके नक्शे में जो द्वीपों का, महाद्वीपों का विस्तार था वो पूर्व में चाइना तक था और पश्चिम में स्पेन के तटों तक दिखाया गया। जैसे जैसे रोमन साम्राज्य का विकास हुआ, इस तरह की चीज़ों का विकास होता गया। लेकिन जैसा कि दूसरे साम्राज्यों और राज्यों के साथ हुआ, एक समय ऐसा आया जब रोमन साम्राज्य का भी पतन हुआ। रोमन साम्राज्य के पतन के साथ साथ लोगों में वैज्ञानिक सोच का भी पतन हुआ और इस पतन से जो नक्शों की कला का विकास है वो भी अछूता ना रहा और काफ़ी लंबे समय तक फिर नक्शों के विकास में कोई काम दुनिया में नहीं हो पाया।